मनरेगा में पैसों का बंदरबांट, कैसे होगा पंचायत का विकास, अधर में लटकी है मजदूरों की आस, मनरेगा में जेसीबी से हो रही है खुदाई, कैसे होगी मजदूरों की कमाई, कौन गटक रहा है गरीबों का निवाला, सरकारी योजनाओं में पदाधिकारियों का बोलबाला, नेशन न्यूज में देखिए ऑपरेशन मनरेगा। फर्जी तरीकी से जो जेपीसी से काम किया जा रहा है इसमें, और दलाल बिचौलिया के माध्यम से हुआ है काम। अरे रातों रात में जो से 24 घंटा के अंदर में काम हुआ। है कि काम कब हो जाता है किसी को कोई पता नहीं। ये मुखिया के दो चार ऐसे बिचौलिया है जो कि रात में जैसे भी ला के, और रात में ही रातों रात चुपके से ऐसा काम होता है कि आपको पता तक नहीं चलता। जब पूछे हम तो बोलता क्या करना, जो करना कर लेते। मुखिया ही नहीं, उसके जो ऊपर में पीओ बैठे हुए हैं, जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं मनरेगा का, वो तरह का ध्यान नहीं देते। कारण है कि सारे लोग मिलके हैं। वो बोले जो कि वो काम मेरा है, मैं हम अपने हिसाब से ही काम करेंगे, तुमको बोलने से काम नहीं चलेगा। मोहल्ला में हर जगह बोलता है जो कि अगर कुछ करेगा वो मेरा पाला में पड़ा, हम उसको दिखा देंगे, वो करेंगे। अपने मनमानी तरीके से यहाँ पे बलियाडी पंचायत के दो चार को बिचौलियों द्वारा काम करवाया जाता है। एक साल भी पूरे नहीं हुए और मुखिया ने अपना शैतानी दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि जाजा के पहाड़ी क्षेत्रों के बीच बसे नरगंजो गांव की है, जहां मुखिया जी गरीब और बेबस लोगों के निवाले पर अपना हुक्म का इक्का जमा बैठे हैं। दरअसल जाजा के बलियाडी पंचायत में मनरेगा का काम चल रहा था, पर अफसोस कि ये काम कोई मजदूर नहीं बल्कि जेसीबी से करवाया जा रहा था। बहरहाल ये कहानी कोई नई नहीं है, क्योंकि ये बात एक पंचायत की नहीं बल्कि जाजा प्रखंड के कई पंचायतों की है, और पदाधिकारी मजदूरों को बेबस होता देख अपने मुँह में चुप्पी साध रखे है, क्योंकि वक्त रहते उनके पास इसकी एक चौथाई कमाई का नजराना भी पहुंच जाता होगा। वहीं जब नेशन न्यूज की टीम ग्रामीणों के कहने पर बलियाडी गांव के इस क्षेत्र में पहुंची, तो देखिए क्या तस्वीरें निकल कर आई। देखिए इस वक्त हम खड़े हैं झाजा प्रखंड क्षेत्र के बलियाडी पंचायत अंतर्गत नरगंजो गांव के वार्ड नंबर 12 में, जहां मनरेगा का काम चल रहा था। पैसेंजर ट्रेन की आवाज सुनकर रजला और नरगंजों के लोग जिस तरह से लकड़ी लेकर दौड़े भागे ट्रेन की ओर चले आते हैं, वो तस्वीरें ही बयां करती है कि रोजगार के लिए यहां के लोग मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन मुखिया जी जीतने के बाद चुनाव, उनको पता ही नहीं चलता है कि आखिर जनता चाहती क्या है। मनरेगा का काम चल रहा है, तस्वीरों में देख लीजिए, सहयोगी के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मनरेगा का विगत कई दिनों से काम चल रहा है और जेसीबी से काम चल रहा है, मजदूरों से काम नहीं लिया जा रहा है। इसका विरोध करने पर मुखिया जी ये कहते हैं कि मुझे जो मन करेगा मैं वो काम करूंगा। कहीं ना कहीं मनरेगा के पीओ की भी इसमें संलिप्तता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पीओ को जब मैंने खुद शिकायत की इसकी, तो उन्होंने कहा कि इस बात का प्रमाण ला कर दीजिए और मैं उनको प्रमाण ला कर दूंगा, तो वो रातों रात इस बात का सेटलमेंट कर लेंगे मुखिया से कि जेसीबी जहां पर है अभी वहां से उसको हटा लिया जाए। मनरेगा के पीओ की इस तरह की शर्मनाक हरकत जिस तरह से मीडिया के सामने आई है, वो कहीं ना कहीं उनके खुद की छवि और प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी इस पर जो है संज्ञान लेने की आवश्यकता है। तस्वीरें देख लीजिए कि ये मनरेगा का काम कराया हुआ पूरा ये जगह है जहां पर मुखिया जी अपने दो चार बिचौलियों को लेकर रात भर जेसीबी चलवाया करते हैं। तस्वीरों में देख लीजिए कि किस तरह से ये जो तस्वीर में दिख रहा है जेसीबी के टायरों का निशान, ये मजदूरों के पैर का निशान नहीं है बल्कि जेसीबी के टायर्स का निशान है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है इस वक्त कि यहां पर जेसीबी से काम करवा कर मजदूरों को कहीं ना कहीं बेरोजगार बनाने का एक बहुत ही अच्छा उपाय मुखिया जी ने ढूंढ लिया है। मुखिया प्रतिनिधि जो यहाँ के हैं, उन्होंने उप मुखिया की बात को भी अनसुना कर दिया, ये कहकर कि मैं यहाँ पर जो चाहूंगा वो करूंगा। इस बात को लेकर हालांकि ग्रामीण जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के ग्रामीण मनरेगा को लेकर। यदि ये सिर्फ
एक पंचायत के एक गांव का नजारा है, आप जिस तरह से तस्वीरों में देख रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मनरेगा के द्वारा जो झाझा प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा के पीओ हैं, उनके द्वारा जो योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात की जाती है, जो योजनाएं दी जाती है ग्रामवासियों के नाम की, जो ग्रामवासियों को ये कहा कहकर दिया जाता है कि आपको काम मिलेगा दैनिक मजदूरी पर, तो आप सोच सकते हैं कि यदि एक गाँव की एक पंचायत की ये तस्वीरें हैं तो बिगड़ते हालात क्या कुछ बयां करते होंगे कि झाझा प्रखंड क्षेत्र में तमाम उन गाँवों की क्या तस्वीर होती होगी जहाँ पर मनरेगा का कार्य दिया जाता है। और जिस तरह से मनरेगा के पीओ यानी मनरेगा के जो पदाधिकारी हैं और जो मुखियापति हैं, उनकी मिलीभगत से इस तरह से ग्रामीणों का जो शोषण किया जा रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? जो है फर्जी तरीकी से जो जीपीसी से काम किया जा रहा है इसमें, और दलाल बिचौलिया के माध्यम से हुआ है काम। और यहाँ का तमाम जितने मजदूर लोग हैं, जो जिनके पास जो कार्ड है, जो कार्डधारी लोग जो बैठे हुए हाथ पर हाथ दे करके, अरे रातों रात में जो से 24 घंटा के अंदर में काम हुआ, हम लोग का जानकारी पड़ा, फोटो वगैरह भी लिया। मनरेगा चीज का कार्य यहाँ पर हो रहा है? यहाँ कार्य हो रहा है मनरेगा के सवाल पर। मनरेगा? हाँ, मनरेगा जो मनरेगा के माध्यम से जो काम हुआ है। कौन सा जगह है ये? ये हुआ जहरथान है। और कौन सा पंचायत? बलियाडी पंचायत है। कौन सा वार्ड में आता है? 12 नंबर वार्ड है। मुखिया कौन है? मुखिया मुइम है। अच्छा, तो आप लोगों ने अंजुन खातून है। विरोध नहीं किया आप लोगों ने? विरोध आज वही विरोध जो है प्रदर्शन जो से हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लुटन खैरा है और मैं 12 नंबर का वार्ड सदस्य हूँ। कौन सा पंचायत? जी बलियाडी। सही, क्या जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, आप लोग प्रदर्शन करें, किस चीज को लेकर कर रहे हैं? प्रदर्शन करने का कारण है कि यहाँ जो भी मनरेगा के तहत काम किया जा रहा है उसमें है कि काम कब हो जाता है किसी को कोई पता नहीं। ये मुखिया के दो चार ऐसे बिचौलिया है जो कि रात में जैसे भी ला के, और रात में ही रातों रात चुपके से ऐसा काम होता है कि आपको पता तक नहीं चलता, खुद हम लोग भी नहीं जान पाते कि यहाँ काम क्या हो रहा। और मुखिया से हम बात किए हैं, पंचायत भवन में किए थे, वो बोले जे कि वो काम मेरा है, मैं हम अपने हिसाब से ही काम करेंगे, तुमको बोलने से काम नहीं चलेगा। हम अपने हिसाब से काम करेंगे, जिसको काम देना रहेगा उसको देंगे और जिसको मन नहीं रहेगा उसको नहीं देंगे। और जैसे भी इस करवाएं या कुदार से करवाएं वो मेरा मन है। यहाँ पर काम क्या चीज से हुआ है? यहाँ तो काम जैसे भी से हुआ है। तो क्या वरीय पदाधिकारी किसकी शिकायत करेंगे? शिकायत किए हैं सर। किनसे शिकायत किए? बीडीओ साहब, पीओ साहब, डीडीसी शिकायत किए 8 तारीख को। 8 तारीख वो पोस्ट किए, स्पीड पोस्ट किए हैं। वो सबके पास पेपर भी चला गया अभी तक, लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्या नाम है आपका? MD मेराज। मेरा पत्नी उप मुखिया है, साजमक। आपका? मेरा नाम मोहम्मद जियाउल। कहाँ के निवासी हैं? हम टहवा के हैं। क्या ये जो इस तरह की परेशानी आ रही है कि मनरेगा में काम करवाया जा रहा है, मजदूरों से काम नहीं लिया जा रहा है, क्या ये अपने मनमानी तरीके से यहाँ पे बलियाडी पंचायत के दो चार गो बिचौलियों द्वारा काम करवाया जाता है?